गाजा पट्टी के अंदर इस वक्त जो एयर स्ट्राइक हो रही है वो बहुत बड़ी तबाही और मारकाट की खतरनाक पिक्चर का सिर्फ ट्रेलर भर है। आगे क्या होने जा रहा है इसके सबूत इस वक्त यहां गाजा बॉर्डर की सीमा पर नजर आ रहे हैं। ये इजराइल के वो मरकावा टैंक हैं जो करीब 1980 से एक्टिव है और अब तक 7 छोटी बड़ी जंगों में निर्णायक भूमिका निभा चुके हैं। ये टैंक गाजा के अंदर घुसने को बेचैन हो रहे हैं। इन्हें बस अब इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से हरी झंडी का इंतजार है। दूसरी तरफ गाजा के अंदर एयर स्ट्राइक अभी भी लगातार जारी है। आईडीएफ ने जो बयान दिया है, हमास ने अपने दफ्तर, मस्जिद, अस्पताल और स्कूल के बीच में बनाए हुए हैं। लेकिन फिर भी आईडीएफ चुन चुन कर हमास के आतंकियों का खात्मा कर रही है। द टाइम्स ऑफ इजराइल अखबार के मुताबिक हमास के 1500 ठिकानों पर अब तक इजराइल की एयरफोर्स एयर स्ट्राइक कर चुकी है। इजराइल ने नेशनल इस्लामिक बैंक ऑफ गाजा को भी नष्ट कर दिया है। हमास के रॉकेट भंडार पर भी एयर स्ट्राइक हुई है। पूरे गाजा के अंदर इस वक्त धुएं का गुबार उठता देखा जा रहा है। गाजा के अंदर हालात लगातार बुरे होते जा रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का रुख भी बहुत कठोर होता जा रहा है। नेतन्याहू ने अपने ट्विटर यानी एक्स पर एक वीडियो भी अपलोड किया है जिसमें हमास के तमाम ठिकानों पर बमबारी दिखाई गई है। लेकिन इस बेहद खतरनाक बमबारी का सबसे ज्यादा नुकसान गाजा में रह रहे आम लोगों को हो रहा है। गाजा में मौजूद करीब 20 लाख की आबादी की जिंदगी और मौत पर बनाई है। هناك مجزرة حقيقية ترتكب بحق المدينة العزل في منطقة الصبرة. هناك عشرات الضحايا لا زالت تنعد. سيارات الإسعاف والسيارات المدنية تقوم بإجلاء الضحايا من هذا المنزل الذي تم استهدافه بشكل مباشر. गाजा के बॉर्डर पर खड़ी इजराइल की आर्मी ने यह चेतावनी जारी कर दी है कि गाजा के लोग अभी इजिप्ट की तरफ खुलने वाले गेट से सिनाई प्रायद्वीप चले जाएं। लेकिन इतनी जल्दी गाजा से भाग पाना क्या इतना आसान है और क्या घनी आबादी के बीच बसने वाले आतंकी गाजा के इन लोगों को जाने देंगे? ये भी बड़ा सवाल है क्योंकि हमास के आतंकी अगर युद्ध की पूरी तैयारी कर रहे हैं तो वो गाजा के रहने वाले हजारों लाखों मर्दों को भी अनिवार्य रूप से लड़ने के लिए मजबूर जरूर करेंगे। ऐसे में गाजा के अंदर एक बड़ा कत्लेआम हो सकता है। युद्ध को खत्म करने के लिए तमाम अपीलें की जा रही हैं, लेकिन जिस तरह का काम हमास ने किया है, दुनिया में हमास का समर्थन कम हो रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि अब इजराइल की सरकार ने हमास को इस्लामिक देशों से अलग थलग करने के लिए जबरदस्त प्रोपेगेंडा वॉर शुरू कर दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से बार बार एक ही बात कही जा रही है कि हमास इक्वल टू आईएसआईएस यानी इस्लामिक स्टेट।